नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे। दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जन्माष्टमी काफी नजदीक आ रही है, तो ऐसे में शुभ अवसर पर कर लेना यह विशेष उपाय। दोस्तों, 7 सितंबर 2023 कृष्ण जन्माष्टमी के दिन घर के इन दो कोनों में रख दें, मोर पंख चमक जाएगी, आपकी किस्मत और हो जाएंगे धनवान, मिलेगा संतान सुख और हर मनोकामना मात्र एक दिन में हो जाएगी पूरी। दोस्तों, करीब 200 वर्षों बाद जन्माष्टमी के पावन दिन पर एक बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग, संतान प्राप्ति और राजयोग निर्माण हो रहा है। और ऐसे में यदि आप इस दिन गुरुजी द्वारा बताए गए इन उपायों से घर के कोनों में मोर पंख रख देते हैं तो आपकी कैसी भी परेशानी हो, चाहे वह धन की इच्छा हो या संतान प्राप्ति की या अच्छे स्वास्थ्य की, हर मनोकामना आपकी मात्र एक आसान से उपाय से पूरी हो जाएगी। आखिर क्या है यह उपाय जो कि इतना प्रभावशाली है, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और यदि आप भी भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कॉमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्तों, जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण जी का जन्म भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, और उनके जन्म के दिन को आज भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की आधी रात यानी 12 बजे को झांकी की जाती है और घंटे घड़ियाल बजाकर उनके जन्म की खुशियां बांटी जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु जी ने धर्म की स्थापना करने के लिए श्री कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया था। इस दिन व्रत धारण कर श्री कृष्ण जी का स्मरण करना अत्यंत ही फलदायी होता है। शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को व्रतराज कहा गया है। पुराण में इस व्रत के संदर्भ में उल्लेख है कि जिस घर में यह व्रत किया जाता है वहां अकाल, मृत्यु, गर्भपात, दुर्भाग्य तथा कलह नहीं होती है। जो एक बार भी इस व्रत को करता है वह संसार के सभी सुखों का भोग कर विष्णु लोक में निवास करता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि साल 2013 में जन्माष्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि इस बार 6 सितंबर को पड़ रहा है। यह कृष्ण जी का 5250वीं जन्माष्टमी होगी। ऐसे में यह 6 सितंबर को दोपहर 3:37 से शुरू होगा और 7 सितंबर को शाम 4 बजे कुल 14 मिनट तक रहेगा। इस दिन सुबह 9:20 से रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। ऐसे में गृहस्थ सितंबर और वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 सितंबर को इस त्योहार को मनाएंगे। जन्माष्टमी के लिए इस बार शुभ मुहूर्त 46 मिनट का है, जो 12:02 से 12:48 तक रहेगा। ऐसे में इस दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में इस दुर्लभ संयोग में जन्माष्टमी की पूजा करने से 3 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलेगी। वहीं यदि किसी की आत्मा प्रेत योनि में भटक रही है तो उनके नाम से की गई पूजा उनकी आत्मा को मुक्ति प्रदान करेगी। इस दिन का व्रत निसंतान को भी संतान का सुख देने वाला होगा। ऐसे में इस बार जन्माष्टमी का व्रत करना ना भूले। साथ ही जो इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं उस बार उनके लिए सबसे अच्छा मौका है भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने का, मैं वह भी इस बार व्रत को शुरू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मोर पंख के उपायों के बारे में। दोस्तों, मोर पंख घर में शांति और सुख समृद्धि के लिए बहुत ही उपयोगी वस्तु है। शास्त्रों में एक प्रकार का यंत्र ही कहा गया है जो धन संपत्ति को आकर्षित करता है। यदि मोर पंख को घर में सही दिशा और सही स्थान पर रखते हैं तो इससे घर में धन का आगमन होता है। संचित धन में कई गुना अधिक वृद्धि होती है। पंख को घर में रखने से पैसे की आवक कई गुना बढ़ जाती है। इसके लिए आपको केवल 3 मोर पंख लेने हैं और उससे जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु उपाय करने हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसीलिए इस महत्वपूर्ण जानकारी को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि मोर और मोर के पंख का हमारे धार्मिक शास्त्रों में क्या महत्व बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मोर पंख एक चमत्कारिक यंत्र होता है। इसका प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं में भी किया जाता है। प्राचीन युग से ही मोर पंख को तांत्रिक साधना में महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र में भी मोर पंख को बहुत ही महत्व दिया गया है। इसके साथ ही पुराणों में भी मोर पंख से जुड़े उपायों का वर्णन मिलता है। आयुर्वेद में भी मोर पंख के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से मोर पंख
घर से रोग तथा बीमारियों को दूर रखता है। यदि घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो मोर पंख का प्रयोग करके उसे स्वस्थ बनाया जा सकता है। मोर से जुड़ी पुराणों में कई कथाएं हुई हैं। पक्षी शास्त्र में मोर से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। प्राचीन युग में संध्या नाम का एक असुर हुआ करता था। वह बहुत ही शक्तिशाली और बड़ा तपस्वी था। गुरु शुक्राचार्य विद्या प्राप्त करके संध्या नाम का अशुभ देवताओं को अपना शत्रु मानने लगा था। उसने ब्रह्मदेव और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया और बहुत अधिक शक्तिशाली बन गया। उसके बाद उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और कई देवताओं को बंदी बना लिया। किंतु कुछ असर पराजित करने के लिए देवताओं ने एक योजना बनाई और उसके लिए उन्होंने मोर की सहायता ली। सभी देवता और नवग्रह मोर के पंखों में विराजित हो गए, जिससे मोर बहुत ही अधिक शक्तिशाली बन गया और विशाल काल रूप धारण करके उस मोर ने संध्या असुर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में संध्या असुर का वध हो गया और देवताओं को उनका आधिपत्य फिर से प्राप्त हुआ। सभी देवताओं ने मोर की प्रशंसा की और उसे भी पूजनीय होने का दान दे दिया। तभी से मोर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। जिस स्थान पर भी मोर पंख होता है वहां पर नौ ग्रहों का अशुद्ध प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, केवल और ऋषि मुनि और देवता ही नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण भी मोर की प्रशंसा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मोर की श्रेष्ठता का वर्णन किया है और उन्होंने मोर के पंख को अपने मुकुट में धारण करके मोर के श्रेष्ठ होने का प्रमाण भी दिया है। मोर पंख के बिना भगवान कहीं पर भी नहीं जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मोर शांति और प्रेम का प्रतीक है। मोर सुख समृद्धि का भी प्रतीक है। मोर का पंख मनुष्य की हर प्रकार की नेगेटिव शक्ति से रक्षा करता है। केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, बल्कि दुनिया के सभी धर्मों में मोर को विशेष महत्व दिया गया है। प्राचीन लोग मोर पंख की अद्भुत शक्ति के बारे में जानते थे, इसीलिए सभी धर्मों के ग्रंथों में मोर को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हिंदू धर्म में मोर को धन की देवी मां, लक्ष्मी विद्या की देवी, सरस्वती, भगवान श्री गणेश, हनुमान जी तथा कार्तिकेय जी भी जोड़कर देखा जाता है। मां लक्ष्मी को सुख समृद्धि और संपन्नता की देवी माना जाता है। मोर पंख का प्रयोग करके मां लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है और सुख संपदा को प्राप्त किया जा सकता है। यदि मोर पंख के साथ आप अपने घर में बांसुरी रखते हैं तो इससे परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहता है। दोस्तों, हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है। यदि इसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगे तो यह मंदिर कम युद्ध का मैदान अधिक लगने लगता है। घर में क्लेश और झगड़े के कई कारण हो सकते हैं, किंतु सबसे बड़ा कारण होता है घर में नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश करना। किंतु हमारे घर में यह नेगेटिव ऊर्जा आखिर कहां से प्रवेश करती है और किस नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक घर में नेगेटिव ऊर्जा फैलाने वाली चीजें मौजूद होती हैं। इन वस्तुओं के बिना हमारा घर चल नहीं पाता है। इन वस्तुओं को तो हम घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, उस नेगेटिव ऊर्जा को अवश्य बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें मोर पंख का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए मोर के पंखों को आप अपने घर पर खूब जोर जोर से हवा में हिलाएं। इससे आपके घर की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वह आपके घर से बाहर हो जाएगी। यदि रोज सुबह पूजा के बाद आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की सारी नेगेटिव ऊर्जा घर से बाहर चली जाएगी और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसी बात रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में वह कौन सी तीन जगह है जहां पर आपको मोर पंख जरूर रखना चाहिए, और इन जगहों पर यदि आप मोर पंख रख देते हैं तो आपके घर में भी सबसे अधिक पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहेगी। सबसे पहली बात, घर से नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने के लिए यदि घर में नेगेटिव ऊर्जा है और परिवार के सदस्यों की तरक्की में अड़चने निर्माण हो रही है तो आप अपने मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की प्रति और प्रतिमा के दोनों ओर मोर पंख अवश्य रखें। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। यदि आपका मुख्य वास्तुशास्त्र के नियमों के विरुद्ध है तो आप मुख्य द्वार पर तीन मोर पंख अवश्य रखें। इससे वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। दूसरी बात, ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए यदि घर के सदस्यों पर ग्रहों का दुष्प्रभाव है अथवा ग्रहों की स्थिति खराब चल रही है तो मोर पंख लें और उस गंगा जल अथवा शुद्ध जल का छिड़काव करें। फिर इसे ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर या किसी को दिखाई ना दे। इससे ग्रह शांत होने में मदद मिलती है। तीसरी बात, बुरी नजर से बचने के लिए यदि घर के किसी सदस्य अथवा बालक को बुरी नजर लगी है या उस पर किसी की बुरी नजर का प्रभाव पड़ा है तो सोते समय उस व्यक्ति के तकिए के नीचे मोर पंख रखें और दूसरे दिन इसे किसी बहते जल में अथवा कुएं में डाल दें। इससे बुरी नजर उतर जाती है। चौथी, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। यदि घर के विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनकी याददाश्त कमजोर है,
पढ़ाई करते समय बार बार नींद आती है तो विद्यार्थियों को माँ सरस्वती के सामने मोर पंख रखकर दूसरे दिन उस मोर पंख को अपनी किताबों में रखना चाहिए से विद्यार्थियों में एकाग्रता बढ़ेगी और माँ सरस्वती की कृपा बनी रहेगी। 5 उपाय दोस्त, शत्रु से छुटकारा पाने के लिए। यदि कोई शत्रु जानबूझकर आपको परेशान रहा है और बार बार आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर मोर पंख पर लगाएं और वह के समय बिना नहाए ही इसे बहते हुए जल प्रवाह में अथवा कुएं में डाल दें। इससे शत्रु से छुटकारा मिलता है। 6 बार मनवांछित फल प्राप्ति के लिए। यदि मन की कोई इच्छा अधूरी है, कई दिनों तक कोशिश करने के पश्चात भी मनवांछित फल प्राप्त नहीं होता है, कार्यों में बार बार रुकावट आ रही है, तो आप राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख चढ़ाएं अथवा घर में ही श्री कृष्ण की मूर्ति पर मोर पंख लगाएं और अपनी इच्छा उनके सामने प्रकट करें। साथ भी यह बात, यदि पति पत्नी के बीच तनाव हो, यदि घर के अंदर क्लेश है, पति पत्नी के बीच बार बार झगड़े होते हैं, आपसी प्रेम कम होने लगा है, तो उनके बेडरूम में दक्षिण पूर्व की दिशा में मोर पंख रख देना चाहिए। इससे दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा और आपसी मन कम होगा। अथवा उपाय धन में वृद्धि के लिए, यदि धन की कमी है, अचानक धन खर्च हो जाता है, तो घर में तिजोरी अवश्य बनाए। तिजोरी रखते समय ध्यान रहे, तिजोरी को पश्चिम की दीवार पर सटाकर रखे और उसका मुख पूर्व दिशा की ओर हो, इससे देवराज की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। साथ ही महालक्ष्मी की पूजा में मोर पंख रखकर उसे तिजोरी में रखे, इससे घर में सुख समृद्धि आती है और धन की कमी महसूस नहीं होती है। यदि धन की समस्या है तो घर के अग्निकोण में अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा में अपनी कमर से ऊपर अंधे की ऊंचाई पर 2 मोर पंख शुक्ल पक्ष में लगाए, जल्दी ही धन प्राप्ति के नए अवसर प्राप्त होने लगेंगे। उपाय, आप किसी भी शुभ दिन मोर का पंख लेकर घर के किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर आने जाने वाले लोगों की नजर सबसे ज्यादा पड़ती है।